जवान मुंडियां दे दुनिया तो तुर जाण तो बाद मापियां दा रोंदियां कुरलांदियां दा हाल देखिया नहीं जांदा। मां कीरने पा रही सी अते बार बार बेहोश हो रही सी कि मेरे पुत किसे तरह दे नाल उठ खड़े होण। इधर प्यो दा वी उही हाल सी, उच्ची उच्ची ताहा मार के रोंदे प्यो नूं किसे वी गल दा दिलासा नहीं हो रहा सी। पता लग्या कि इसे परिवार दे विच हले हफ्ता कु पहला ही एक होर व्यक्ति दी जान गई सी, हले उसका भोग तक नहीं पिया। तो इधर दो जवान भरावां दी जान जाण दी दुखदाई खबर सामने आ गई। मापियां नूं इस गल ते यकीन नहीं होया कि साडे घर दे विच इह सब कुछ वापर की रही है, पर बेहद ही मनभागी खबर चोला साहब तो सामने आ रही है, जिथे एको परिवार के दो जवान मुंडिया के जाण तो बाद मापिया का रो रो के बुरा हाल है। दस दी कि एक गंभीर हादसा होया है जिस दे विच दो नहीं सगो तीन जाणियां दी जान गई है। दो आपस दे विच भरा सी अते तीसरा उन्हां दा दोस्त सी जिसनों कि उन्होंने अपनी गड्डी दे विच लिफ्ट दित्ती सी। वापसी आते समय ही इन्हों के नाल एक मंदभागा भाणा वापरिया, दरख्त के नाल गड्डी टकराउण तो बाद तिन्हां ने मौके पर ही दम तोड़ दिता। गड्डी की हालत इन्नी ज़्यादा खराब हो चुकी सी कि उसनों कट के मृतक देहां नूं बाहर कढ़िया गया अते मापियां दे वल्लों उन्हां देहां नूं देखण की हिम्मत तक नहीं हो रही सी। पूरे पिंड दे विच जिथे इस समय सोग की लहर है, उत्थे ही पिंड वालियां दे वल्लों भी वध चढ़ के इकट्ठे हो के इस परिवार के नाल सहयोग किया जा रहा है ता जो उन्हां दा दुख वंडाया जा सके। आपस दे विच मासियां दे मुंडे दोवें भरा लगते सन अते इसे ही परिवार के नाल पिंड दे नाल संबंधित सन जिन्हां की जान चली गई। बहुत दुखदाई घटना वा, जिन्हां दे बच्चे चले जांदे आ सारी उम्र वास्ते वो आप भी नाल ही चले जांदे आ। साडे इलाके वास्ते खास करके चोला साहब वास्ते आ पंजवीं चौथी विच हो चुकी है। सो ये मैं तो कई वारी सोचदा भी जिन्हां नौजवानां ते भारी पै रहा, कुछ साडे बच्चे बाहर तुरे जा रहे आ, कुछ नशियां दी भेट चढ़ रहे आ, कुछ एक्सीडेंटां जा रहे आ, ते साडा जिहड़ा बिल्कुल ही घरां दे घर खाली हो रहे आ। बड़ी इह दुखदाई घटना हो रही आ, जिन्नियां घटनावां हो रही आ। सो इस करके मैं ते मेरे कोई लफ्ज़ है नहीं, मैं जिहड़ा परिवार नूं कोई हौसला दे सकां जां मैं उहनां नूं इहो जिही कोई चीज़ दे सकां वी जिहड़ा उठ के बह जाणे ते परिवार वास्ते बहुत ज़्यादा जिहड़ा सारी उम्र दा दुख आ इह ते परमात्मा ही कट सकदा, जां आह जिहड़ी संगत आ इहनां दे सहयोग दे नाल ही मन हौला करके जां इन्हां दे नाल ही संगत करके ते इह जिहड़ी रहिंदी जिंदगी नूं बता सकदे आ। परिवार के मासियां दे पोते ही आपस में रिश्तेदारी सी, दोवें परिवार ते तीजा मुंडा जिहड़ा उह रत्तो कहिंदा सी, उहने ते लिफ्ट ही लई सरियाली तों ते उह बेचारा उह वी नाल जिहड़ा उह वी चले गया। उहनां वास्ते वी बड़ी दुखदाई घटना वा उस परिवार वास्ते वी, ते मैं ते सारे परिवार परमात्मा अग्गे अरदास ही करदे हां कि इहनां नूं हौंसला देवे, शक्ति बख्शे। बहुत दुखदाई घटना जी, साडे पिंड वास्ते बहुत घाटे वाली गल आ जी। बहुत चंगा परिवार सी, बच्चे अजे छोटे छोटे सी, 25-30 साल कोई एज नहीं होंदी, इस तरह चले जाना परिवार वास्ते भी ते जिन्ने संबंधी होंदे उन्हां वास्ते बहुत दुखदाई आ। तो असीं इन्हां दे परिवार दे विच नाल दुख च शामिल हाँ ते परमात्मा गड़ी अरदास करदे हां भी इन्हां नूं परिवार नूं ढारस देवे ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਿਸਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉੰਨੀ ਭੁਗਤਣੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਤੀਜੇ ਜੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ,
सरहाली तो चोला साहब जाते हुए ही सारी घटना वापरी है। पता लग्या कि तिना नौजवान जो कि सरहाली तो I-10 कार के विच घर नू वापस आ रहे सन। पुलिस ने तिना ही नौजवानों दी मृतक देहां नू अगली कार्रवाई करन तो बाद परिवारिक मैंबरां नू सौंप दिता ते हुण उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया। तुसी गड्डी दी हालात देख सकते हो कि किन्ना भयानक यह हादसा सी। अगों गड्डी पूरी तरह दे नाल मुड़ चुकी सी अते इस दे विच मृतक देहां धस चुकियां सन, जिन्हां नू कट कट के गड्डी नू कट्टन तो बाद बाहर कढ़िया गया। इन्हां मृतकां दी पहचान निशान सिंह, जतिन अते अंकुश कुमार दे रूप दे वजो कीती गई। तीनों ही यही नौजवान तरन तारण दे चोला साहब दे रहन वाले सन। जतिन अते अंकुश किसी काम नूं लैके सरहाली गए हुए सन अते उत्थों ही वापस आ रहे सन। तां राह दे विच उन्हां नूं निशान सिंह दिखिया। दोनों ने उसनूं घर तक दी लिफ्ट दित्ती सी। गड्डी दी स्पीड काफ़ी तेज़ होण करके चोला साहब रोड ते कार बेकाबू हो गई अते सड़क दे नीचे उतर के एक पेड़ दे नाल जा टकराई। हादसा इन्ना ज़्यादा जबरदस्त सी कि गड्डी दे पर खच्चे उड़ गए। इन्ना ही नहीं, गड्डी अद्धे तो ज़्यादा मुड़ चुकी सी। दरवाजियां नूं तोड़ के मृतक देहां नूं बाहर कढ़िया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करन तो बाद परिवारिक मैंबरां नूं मृतक देहां सौंप दित्तियां, पर परिवार का रो रो के बुरा हाल है। जिथे जवान मुंडियां दे जान तो बाद मावां ही दुख सहार नहीं पा रही। रोटी खान गया, मुड़के पिंड रोटी खा गया, मुड़के रस्ते हादसा वापर गया। गड्डी दो जने हैगी, एक तो दोनों भतीजे, एक रस्ते रिश्तेदार मुड़का बारहों जलंधर को आया काम तो उन्हें लिख दी थी नाल रस्ते जाते मुड़ के हादसा वापर गया। हाँ तो मैं मौत हो गई। एक तो ना है अपना अंकुश ने, दूसरा जो ना जतन लगे। तीजे पता है ना बारे नहीं जानकारी है। अंकुश रोटी खाने पे दो मोड़ से खलोता होना वा चोले जाना तो पिंड चला जा नाल ही। अच्छा जी, 11:30-11:12 हस्पताल पहुंचे, हस्पताल वाले ने सानू दस्या चुके।